वंदे मातरम स्टूडेंट्स टूडेज अवर सब्जेक्ट इज मैक्स इन मैक्स सब्जेक्ट वी सी चैप्टर नंबर टू नंबर्स वन टू तो टेन बच्चों आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं सो लेट्स स्टार्ट एट ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन बच्चों यहाँ पर हमने पहले भी देखा था कि एक क्वेश्चन दिया होता है और उसके थ्री ऑप्शन दिए होते हैं तो उस पर से जो भी करेक्ट आंसर होता है उस पर हमें टिक करना होता है so let's start it number 1 eight comes after eight comes after ऐसा पूछा गया है यानी कि 8 जो नंबर है वो कौन से नंबर के बाद आता है ऐसा हमें पूछा गया है तो ऑप्शन ए दिया गया है सेवन ऑप्शन बी नाइन ऑप्शन सी टेन तो बच्चों एट नंबर के एट नंबर है वो बाद वाला नंबर है यानी कि उसके एग्जैक्टली exactly पहले वाला नंबर हमें पूछा है तो उसका करेक्ट आंसर कौन सा है ऑप्शन ए सेवन ऑप्शन बी नाइन या ऑप्शन सी टेन एट नंबर है वो सेवन नंबर के बाद आता है यस एट कम्स आफ्टर एट है वो सेवन नंबर के बाद आएगा तो ठीक हम वहाँ पर करेंगे नंबर टू सिक्स कम्स बी फोर अभी सिक्स जो नंबर है वो कौन सा है वो सिक्स कम्स बी फोर यानी सिक्स जो है उस उसके उसके बाद का नंबर कौन सा है वो हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि सिक्स बी फोर नंबर दिया गया है ऑप्शन ए फोर ऑप्शन बी फाइव ऑप्शन सी सेवन बिफोर नंबर यानी कि उसके पहले का नंबर सिक्स है तो उसके बाद का नंबर हो गया ना सेवन सो सेवन पे हम टिक करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री नंबर नेम ऑफ एट इज रिटन एस नंबर एट किस तरीके से लिखते हैं उसका स्पेलिंग हमें लिखना है वो स्पेलिंग हमने सारे के सारे देखे ऑप्शन ए ई आई जी टी एच ऑप्शन बी ई आई जी एच टी ऑप्शन सी ए टी ई बच्चों एट का स्पेलिंग क्या आता है ई आई जी एच टी तो उधर टिक करो नंबर फोर विच नंबर इज़ ग्रेटर देन सिक्स यानी सिक्स जो है उससे बड़ा नंबर कौन सा है ऑप्शन ए टू ऑप्शन बी फाइव ऑप्शन सी सेवन सिक्स से बड़ा नंबर हुआ सेवन फाइव और टू तो उससे छोटा हुआ ना तो वो तो नहीं आएगा चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलो आगे देखते हैं क्या है बी कंप्लीट द काउंटिंग यहाँ पर बच्चों हमें काउंटिंग लिखनी है यहाँ पर कंप्लीट करना है काउंटिंग चलो स्टार्ट करते हैं नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री देन फोर देन फाइव देन सिक्स देन सेवन देन एट देन नाइन देन ट ओके यहाँ ये है फॉरवर्ड काउंटिंग अभी ये है बैकवर्ड काउंटिंग तो बैकवर्ड काउंटिंग हम लिखते हैं हमने सीखा ही है टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन ये हुआ बैकवर्ड काउंटिंग बच्चों सभी को आता है ओके नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन सी राइट द नंबर्स नेम बच्चों यहाँ पर हमें नंबर्स दिए गए हैं तो हमें नंबर्स के नेम लिखने हैं सबसे पहला नंबर है वन तो हम वन का स्पेलिंग लिखेंगे ओ एन ई वन यहाँ पर हम three का spelling थ्री five का स्पेलिंग लिखेंगे टी एच आर डबल ई थ्री फाइव का स्पेलिंग लिखेंगे F I V E फाइव यहाँ पर टू का स्पेलिंग लिखेंगे T W O टू फोर का स्पेलिंग लिखेंगे F O U R फोर सिक्स का स्पेलिंग लिखेंगे S I X सिक्स समझ में आया बच्चों नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन पुट ट ग्रेटर धैन एंड लेसर धैन और इक्वल साइन बच्चों ये भी हमने सीखा था हमने सीखा था कि जो भी बड़ा नंबर होगा उसकी तरफ हमें फिश का मुँह खोलना है हमने वो सीखा था और जो नंबर सेम हो गए उसमें इक्वल की साइन करनी है सो लेट स्टार्ट एट नंबर वन एट एंड सेवन विच नंबर इज़ बिगर नंबर एट नंबर इज़ बिगर नंबर तो हमें एट नंबर्स की तरफ फिश का मुंह फिर करना है फोर न टू अभी दूसरा वाला देखे थ्री नंबर थ्री दोनों सेम है इसलिए हम इक्वल की साइन करेंगे नंबर थ्री नाइन एंड सिक्स बीच नंबर इज बिगर नंबर नाइन नंबर इज़ बिगर नंबर तो नाइन नंबर की तरफ हम इस तरीके से फ़िश का मुंह करेंगे यानी ये ग्रेटर देन की साइन हो गई कौन सी साइन हुई ग्रेटर देन की नंबर फोर सिक्स एंड सेवन विच नंबर इज बिगर नंबर सेवन नंबर इज बिगर नंबर तो सेवन की तरफ हम फिश का मूल करेंगे यानी कि ये हो गया लेसर देन की साइन कौन सी लेसर देन की साइन हुई ना टू फोर विच नंबर इज बिगर नंबर फोर नंबर इज बिगर नंबर तो ये हो गया लेसर देन की साइन वन टू विच नंबर इज बिगर नंबर टू नंबर इज बिगर नंबर यानी हो ये भी हो गया लेसर देन की साइन सभी को समझ में आया अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम देखते हैं ई वॉट कम्स आफ्टर व्हाट कम्स बिफोर एंड वॉट कम्स बिटवीन ये हमें लिखना है सो लेट स्टार्ट एट वॉट कम्स आफ्टर ऐसा पूछा गया है यानी कि हमें आफ्टर का नंबर लिखना है यानी कि बाद का नंबर लिखना है टू नंबर के बाद कौन सा आता है थ्री सो राइट ईयर थ्री फाइव नंबर के बाद आता है सिक्स सो राइट ईयर सिक्स सेवन नंबर के बाद आता है एट सो राइट हीयर एट वॉट कम्स बी फोर यानी कि हमें पहले का नंबर लिखना है नाइन नंबर के पहले का नंबर कौन सा है बच्चों नाइन नंबर के पहले का नंबर कौन सा होता है नाइन नंबर के पहले का नंबर होता है एट सो राइट हीयर एट एट नंबर्स के पहले का नंबर कौन सा होता है सेवन सो राइट हीयर सेवन हमने बैकवर्ड काउंटिंग सीखा ना उसके हिसाब से आपको करना है नंबर फोर फोर नंबर से पहले का नंबर कौन सा है फोर नंबर के पहले का होता है थ्री थ्री ओके वॉट कम्स बिटवीन यानी हमें बीच का नंबर लिखना है वन टू थ्री फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन बच्चों यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज है ये चैप्टर की वो भी कंप्लीट होती है और आगे मैं आपको नया चैप्टर करवाने वाली हूँ वो हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे ओके बच्चों अगले वाले वीडियो में दे मिलते हैं